मैं हूं गौर। एक एहसास, सिर्फ एक इमारत नहीं, 25 साल का बुना हुआ एक सपना। बचपना बुनता है मुझमें, एक तरक्की की राह हूं मैं। मुझमें बसते हैं वो ख्वाबों के परिंदे, परंपराओं का एक मंदिर। मुकम्मल हो जहां हर ख्वाहिश, वो एहसास हूं मैं। क्षमता है मुझमें कुछ कर दिखाने की, मुझे फिक्र है आज की, कल की और उस हर अनदेखे सपने की। जिस धरती पर जन्म लिया है मैंने, उसके अभिमान का ख्याल है मुझे। बच्चों की किलकारियां, कोयल के गीत, पतझड़ का सन्नाटा, वसंत की खुशहाली हो जहां इंसान और प्रकृति दोनों का मिलन, वो संसार हूं मैं। बरसों की मेहनत और लगन से बना हूं मैं, हर रोज और बढ़ रहा हूं मैं। ठहराव और प्यार से बढ़ती हुई एक रफ्तार हूं मैं। धरती से आकाश के बीच का सफर हूं मैं, मिट्टी मेरा वजूद, बादल मेरी मंजिल। चांद अपने दिल में रखे, आओ सबको सितारों की गली में ले चलूं, क्योंकि मैं सिर्फ एक इमारत नहीं, गौर, एक एहसास हूं मैं। '90 में मैंने रेलवेज 31 साल की सर्विस के बाद छोड़ दी, तो ये विचार आया कि हमें आगे क्या करना है। लोगों को 3 चीजें बहुत जरूरी होती हैं, रोटी, कपड़ा और मकान। लेकिन मैं समझता हूँ आज के युग में घर भी ऐसा हो जिसे हम फ्लैट या मकान न कहकर के घर कहें। 1995 में गौर सन्स इंडिया लिमिटेड के नाम से हमारी कंपनी रजिस्टर हो गई। इन 25 सालों के सफर में कभी भी ऐसा नहीं रहा कि हर चीज़ जो है स्मूथली होती रही जाए, बट एक चीज़ ये रही कि हमने हमेशा सामना उसके जो है कभी पीठ नहीं दिखाई। कोई भी प्रॉब्लम आई उसका सामना डट के किया। अपनी कैपेसिटी से बहुत 10 गुना 20 गुना ज़्यादा बड़ा प्रोजेक्ट था। कभी हमने सोचा नहीं था कि इतनी बड़ी टाउन थी जिसमें हज़ारों मकान होंगे हम बनाएंगे। लैंड हमने ले ली, प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दिया और प्रोजेक्ट की स्टार्टिंग भी ऐसी हुई कि पहले 9 दिन में, मेरे को याद है कि हमने नवरात्रों में स्टार्ट किया था, पहले 9 दिन में करीबन 9,000 बुकिंग हुई। तो ये भी अपने आप में एक रिकॉर्ड था कि लोग वहाँ पर आए। लेकिन सडनली एक कोर्ट का एक ऐसा फैसला आया कि पूरा प्रोजेक्ट जो है वो रुक गया। आज मैं समझता हूँ कि वो एक समय के बाद, जब 2012 के बाद जो कंपनी ने उड़ान भरी है, तो वो उस चुनौती को सामना करने की कहीं ना कहीं हिम्मत और उससे जो हमने सीखा, वो आज उसका एक कहीं नतीजा है। ऊपर वाले की जो है आशीर्वाद कह सकते हैं, बड़ों का आशीर्वाद, फैमिली का साथ, मेरी टीम का साथ, एक जो गॉड सन्स एक परिवार जो है वो बनता गया, एक कारवां चलता गया। तो ये सारा किया धरा आज मैं समझता हूँ मनोज का है, क्योंकि उसने कभी नहीं मुड़ के देखा। केवल एक विल थी, ईमानदारी थी और एक दृढ़ संकल्प कि मुझे ये करना है, बस इसके अलावा और कुछ नहीं। वो तीर की तरह उस डायरेक्शन में चलना है। और अब होता भी एक आ गया लंदन से सार्थक, अपना 3-4 साल का कोर्स करके। I joined in about 1.5 years back and I've been looking after the sales and the marketing for the company. We have now a very bullish on the commercial part. Just started the retail vertical with Gaur City Mall. One change that we did recently in our strategy was to tapping up different markets. Apart from Delhi NCR, we went to Dubai, to Bahrain and to all of the Gulf region countries. अब वो 1 से 11 हो गए और मंजू जो हमारी बहू रानी है उसने पूरा स्कूल संभाला हुआ जिसमें आज की डेट में 3,000 बच्चे हैं। इट वॉज वेरी सडन, इट वॉज 2011 में एंड मनोज आस्क्ड मी कि मंजू यू हैव टू कम इन द बिजनेस। एंड जब मेरे पास ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई और मैं समझ गई कि मेरे को एक फ्री हैंड मिल रहा है एंड मनोज जी का एक विश्वास है कि मैं ये काम कर लूँगी, उस टाइम मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ गई कि नहीं, आई हैव टू प्रूव माई सेल्फ एंड आई एम रनिंग ए इवनिंग स्कूल हेयर ऑल्सो। और उसमें 300 लड़कियां हैं, गर्ल्स जो अंडर प्रिविलेज गर्ल्स हैं, और दे आर गेटिंग फ्री एजुकेशन CBSE एफिलिएटेड। एंड सबसे बड़ा मोमेंट तब रहा जब इन लड़कियों को मिलवाने का मौका मुझे नरेंद्र मोदी जी से मिला
एंड ऑफ द डे इट रियली गिव्स मी सेटिस्फेक्शन कि एक्चुअली आई एम डूइंग समथिंग फॉर माय सोसाइटी। मेरे को लगता है कि वो चुनौतियों का सामना करना, नई चीज़ों को अडॉप्ट करना और हमेशा अपने कमिटमेंट को पूरा करना आगे बढ़ाता गया। गॉड्स ग्रुप स्टैंड्स अपार्ट फ्रॉम द मार्केट एंड इज पॉसिबली द ओनली रीजन दैट वी हैव सर्वाइव्ड थ्रू आउट दिस रोलर कोस्टर राइड इज दैट वी हैव ऑलवेज completed our projects on time and we always over deliver and under promise. That's what I've seen throughout the journey of Gorsons. Experience is going to get far more richer and better as we move forward and as we grow together. हमने जब मंदिरों का निर्माण किया है, मुझे हमेशा लगता है कि जो मंदिर निर्माण थे वो बहुत पॉजिटिव रहे, बहुत सारे लोगों की ब्लेसिंग्स हमें मिली। शायद Gorsons वहाँ तक नहीं होता जहाँ पे हम आज हैं, तो कभी कभी मैं अपने आप को बहुत ब्लेस्ड एंड बहुत फॉर्चुनेट महसूस करती हूँ। आज जिस सिनेरियो में बिजनेस है, ये कभी मैंने सोचा नहीं था कि इतनी उड़ान भर के हम यहाँ तक पहुँचेंगे और आज कंपनी को 25 साल हो रहे हैं। ये पहला पड़ाव मैं मानता हूँ अपने जीवन। एक व्यक्ति जो है वो जवान होता है 25 साल में, ये कंपनी भी आज एक उस मुकाम पर पहुँची है जो अब ये मैच्योरिटी की तरफ आगे सेल करना शुरू करेगी।